Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now student, अब question 6 को देखते हैं. Question 6 is, find the domain and the range of the real function fx. एक real function की domain और range दिया है. जहाँ पर fx is defined by, मैं इसे लिख देता हूँ fx को, fx क्या दिया हुआ है. Now fx is defined by is equal to fx की value क्या है? fx की value होगी 1 minus x. कब? जब x क्या होगा? Less than 0. fx की वैल्यू 1 होगी कब? जब x क्या होगा? इक्वल टू 0. और fx की वैल्यू क्या होगी? x माइनस 1 होगी जब x इज ग्रेटर देन 0. तो ये तीन कंडीशन पर हमें दिया हुआ है. यहां पर आपको डोमेन, रेंज और इसका ग्राफ को ड्रॉ करना है. नाउ अब यहां पर सबसे पहले डोमेन, सिंस रियल नंबर है, x की वैल्यू क्या हो सकती है? लेस देन 0. x की वैल्यू इक्वल टू 0. x की वैल्यू ग्रेटर देन 0. तो डोमेन तो यहां पर क्लियर है स्टूडेंट. डोमेन इज नथिंग बट डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर. कोई भी रियल नंबर आप यहां पर रख सकते हैं. बट अब इसका रेंज क्या होगी? रेंज के लिए हमें थोड़ा देखना होगा. अगर मैं x की वैल्यू 0 से लेस देन लेता हूं, सो रेंज के लिए हम देखते हैं, व्हेन x की नीचे कोई भी एक वैल्यू दीजिए. मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट रेंज किस तरह से आएगी इसकी. अगर मैं x से नीचे वैल्यू लेता हूं -1, सेम कोई भी वैल्यू x से जब 0 से ग्रेटर लेस देन लेंगे तो क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू. दैट मींस 1 माइनस, माइनस का कोई भी नंबर से a आप ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 1+a. यानी हमेशा क्या आएगा, फर्स्ट केस में व्हेन x इज लेस देन a आपको हमेशा क्या मिलेगा? fx की वैल्यू. यहां पर fx की वैल्यू आपको मिलेगी हमेशा ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1+a आएगा. तो ये तो रहा फर्स्ट केस. Now when x is equal to 0 तो आपको fx की वैल्यू क्या मिलेगी? fx is equal to 1. But when x is greater than 0, x की वैल्यू greater than 0 होगी, तब आपको fx की क्या वैल्यू मिलेगी? Say greater than 0 पर मैं वैल्यू क्या ले लेता हूँ? 1 ले लेता हूँ. तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका? इस केस में 1 माइनस 1 यानी कि 0 मिलेगा. क्या अगर मैं यहाँ पे क्या ले लू, x is greater than, this is 2.5 ले लू, तो fx की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? fx की वैल्यू मिलेगी 2.5 माइनस 1, दैट इज 1.5, ये मिलेगा. तो इसका मतलब यहां पर कभी भी वैल्यू जो है आपकी, कभी भी वैल्यू 1 से यहां पर 0 एंड अगेन x की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं? तो वैल्यू यहां पर कभी भी माइनस 1 से नीचे नहीं जाएगी. क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मैक्सिमम जो इसका है वो माइनस 1 ही आपको लीस्ट वैल्यू यहां पर मिल सकती है. क्यों मिल सकती है? किस तरह से? अगर आप यहां पर x की वैल्यू, x इज ग्रेटर देन 0, अगर मैं x को 0 के इक्वल रख दूं तो fx आपको इस केस में, आप ये वाला केस में देखिए, दिस आप केस यहां पर कौन सा देखिए, दिस x माइनस 1. तो अगर x को 0 में रखूं तो क्या आ जाएगा? 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1. यानी हमेशा वैल्यू क्या होगी? माइनस 1 से बड़ी होगी. आप माइनस 1 से आगे कोई भी वैल्यू आ सकती है. तो अब इस केस में रेंज आप क्या लिखोगे? ये सारा का सारा जो था That, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है. यहां पर ये सिर्फ आपको मैंने अंडरस्टैंड कराने के लिए कंप्लीट जो पोर्शन कराया था, दिस कंप्लीट पोर्शन. नाउ अब आप रेंज पता लगे, रेंज क्या होगी? हमेशा यहाँ पे x की ग्रेटर देन माइनस 1, माइनस 1 तो नहीं होगी, x की हमेशा माइनस 1 से बड़ी होगी. अब आप यहां पर देखिए, अब इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा. तो ग्राफ के लिए हम देखेंगे, जब हम लेंगे x इज 0, x जब 0 है तो fx की वैल्यू 1 है, तो इस केस में जो पॉइंट मिलेगा आपको, पॉइंट हो जाएगा दिस, x की 0 पे fx कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. नाउ अब हम देखते हैं, x की वैल्यू जब लेस देन 0 तो 1 माइनस x होगा. यानी हमेशा क्या होगा इस वाले केस में, हमेशा वैल्यू क्या होगी fx की? 1 से बड़ी होगी. कब? जब x की वैल्यू 0 होगी. तो इस केस में जो बनेगा हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से, सी दिस, यहां पर इस तरह से ग्राफ जो है जाएगा. ये थोड़ा स्टूडेंट बड़ा हो गया, मैं इसे और छोटा कर सकता हूं, दिस. नाउ ग्राफ विल बी लाइक दिस. नाउ अब दूसरे केस में, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो इसमें माइनस 1 से आगे की कोई भी वैल्यू आ सकती है. दैट मीन्स ग्राफ जो है यहां से हम बनाना स्टार्ट करें. Like this. तो ये fx का ग्राफ होगा इस केस में.